बिना किसी खर्च के, बिना किसी केमिकल के और बिना किसी एक्स्ट्रा केयर के अगर आप अपने बालों को, मैं बोलूं कि लंबा कर सकते हैं वो भी मन चाह, तो आपको शायद विश्वास नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसे अगर आप कंटिन्यू 15 दिन तक भी लगाते हैं तो आपको इतना इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और ये जो रेमेडी है वो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। 3 चीज़ें यूज की गई हैं, तीनों चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है। बिना किसी खर्च के, बिना किसी डर के इसे अपना करके आप अपने बालों को एक नया जीवन दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में रेमेडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने लिया है एलोवेरा लीव्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया है फ्रेंड्स कि जब भी आप एलोवेरा को यूज़ करिए तो ये बात श्योर कर लीजिए कि एलोवेरा के अंदर जो येलो कलर का स्टार्च निकलता है उसे आपको यूज़ नहीं करना है। ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। तो इसे कट करके अलग रख दीजिए ताकि इसका येलो स्टार्च जो है वो बाहर निकल जाए। इसके बाद आपको एक दूसरे बर्तन में पानी लेना है। पानी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको 1 कप पानी लेना है और इस पानी को आपको बॉयल करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पानी को तब तक बॉयल करना है जब तक पानी का 1/4 हिस्सा ना रह जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसे सिंगल नहीं बॉईल करना है। इसके अंदर ऐड करना है कॉफ़ी। कॉफ़ी के फायदे आप सभी को पता है, ये हमारे स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है जिससे हमारे हेयर ग्रोथ में काफ़ी हेल्प मिलती है और साथ ही साथ ये हमारे बालों के कलर को भी चेंज करता है। किसी किसी को डार्क ब्लैक पसंद नहीं होता है, किसी किसी को मेहंदी वाला कलर नहीं पसंद होता है, तो कॉफ़ी आपको एक कॉफ़ी कलर देता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे टी का इस्तेमाल किया है, यानी कि चाय पत्ती ब्लैक टी का इस्तेमाल किया है। तो अब इन दोनों चीज़ों को आपको रख देना है बॉईल करने के लिए और हमें इसे तब तक बॉईल करना है जब तक कि 1/4 हिस्सा न रह जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे चाय पत्ती और कॉफ़ी का मिक्सचर तैयार हो रहा है। तो इसे आप मीडियम फ्लेम पर रख दीजिएगा ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए और जब तक ये बॉयल होता है तब तक हम अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमने एलोवेरा रखा था, इसका जो येलो कलर का पदार्थ निकलता है आप देख सकते हैं वो सभी निकल चुका है। तो अब हमें इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने से पहले इसकी थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा कट कर लेते हैं। ये यहाँ पर जो येलो कलर का पदार्थ लगा हुआ है इसे कट कर लीजिए। इसके साथ ही आप इसे छोटी छोटी पीसेस में कट कर लीजिए और साइड के जो पार्ट्स हैं जिसमें कांटे बने होते हैं उसे आपको कट करके निकाल देना है, क्योंकि हमें चाहिए एलोवेरा का जूस। तो जूस बनाने के लिए जितने भी डैमेज पार्ट हैं या फिर जो वो पार्ट है नुकसान पहुंचा सकते हैं उन्हें आपको काट करके निकालना है। एलोवेरा जो होता है फ्रेंड्स, वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। मैंने एक बार एलोवेरा के साथ 7 डे चैलेंज भी किया था तो मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला था अपने बालों में। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, साथ ही साथ मेरे बालों का झड़ना टूटना भी बंद हो गया था। एक वॉल्यूम नज़र आ रही थी बालों में और बाल काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे थे और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो केवल एलोवेरा जेल को भी निकाल के अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सही तरीके से मैं आपको बताऊं कि आपको किस तरीके से यूज करना है कि 7 डे के अंदर ही आपको चेंजेस नज़र आए, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि मैं इस विषय पर भी एक अच्छी सी वीडियो आप सबके लिए लेकर आ सकूं। क्योंकि जब तक आप लोग अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं शेयर करेंगे मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने सारे एलोवेरा को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और अब हमें करना है इसे वॉश ताकि किसी भी तरीके की कोई गंदगी या फिर कोई डर्ट इसमें ना रह जाए। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से साफ पानी में वॉश कर लिया है। ठीक इसी तरीके से आपको भी इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। जब इसे अच्छे से आप वॉश कर लेंगे तो उसके बाद आपको इसका जूस बनाना है। जूस बनाने के लिए आप मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक सेकेंड मेथड जो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर की थी वो भी अपना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी का यूज किया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा जूस हमें यहाँ मिल गया है। यहाँ पे मैं इसे छान रही हूँ ताकि मतलब इसे लगाने में काफ़ी इजी हो जाए। कई बार कुछ टुकड़े फंस जाते हैं तो लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो इस तरीके से छान के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनको प्रॉब्लम नहीं होती वो बिना छाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब इसमें हम डालेंगे सेकंड इंग्रेडिएंट। सेकंड इंग्रेडिएंट यानी कि हमने सबसे पहले बनाया था कॉफ़ी और चाय का पानी, जिसे हमने उबलने के लिए रखा है फ्रेंड्स, तो वो पानी अब रेडी हो चुका है। अब हमें उसे इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पानी की मात्रा कितनी कम हो गई है, यानी कि एक कप पानी जो है वो उबल करके एक चौथा हिस्सा रह गया है। तो अब आपको इसमें चाय छन्नी की मदद से छान लेना है, क्योंकि इसमें चाय पत्ती आ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आपको छान लेना है। और उसके बाद आपको इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। अब ये एक ऐसी रेमेडी बन के तैयार हो गई है फ्रेंड्स, जो कि आपके बालों को दिन प्रतिदिन लंबा करती जाएगी। इसे लगाना कैसे है, तो मैं आप सभी को हर बार ये सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप अपने बालों में किसी प्रकार का कोई रेमेडी अप्लाई करिए, तो मेक श्योर कि आपके जो बाल हैं, आपके जो स्कैल्प है, वो क्लीन हो। क्योंकि पहले से अगर उसमें ऑयल होगा या फिर कोई डर्ट होगा, तो आपकी जो भी रेमेडी है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। सेकेंड बात का ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई रेमेडी अप्लाई कीजिए, तो उसे अप्लाई करके प्रॉपर टाइम दीजिए। अगर आप उसे ज़्यादा टाइम नहीं देते हो, यानी कि सही मात्रा में अगर उसे टाइम नहीं मिलेगा, तो वो कैसे वर्क करेगा। तो इसलिए आपको जब भी ये रेमेडी अप्लाई करना है, मेक श्योर कि आप इसको पूरा समय दें, ताकि ये अच्छे से वर्क कर पाए। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी कि मैंने अपना हेयर पैक अप्लाई करने स्टार्ट कर दिया है और मैं खुद से ही लगा रही हूँ। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पास कोई रहता नहीं है, ऐसे में वो समस्या होती है कि हम अच्छे से अपने बालों में कोई भी हेयर पैक या फिर कोई भी मास्क नहीं लगा पाते हैं। तो इस तरीके से इजी मेथड के तरीके से आप कोई भी हेयर पैक हो, कोई भी हेयर मास्क हो, बहुत ही आसान तरीके से खुद से लगा सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। इस रेमेडी को लगाते समय एक बात का आप ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी वो एलोवेरा को अपने बालों पे अप्लाई करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उनके बाल जो हैं पहले से ज़्यादा रफ दिखाई देते हैं, हार्ड दिखाई देते हैं, और छूने पे चुभन भी महसूस होती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको होती है फर्स्ट टाइम में, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। उस समय आपको नॉर्मल वाटर से अपने बालों को वॉश करना है। नेक्स्ट डे आपको फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट करना है, एलोवेरा जेल को इसी तरीके से प्रिपेयर करना है और अपने बालों में अप्लाई करना है। पहले और दूसरे दिन अगर आपके बाल रफ दिखाई देते हैं, तो डरिएगा नहीं, क्योंकि तीसरे दिन जब आप इस हेयर पैक को अप्लाई करेंगे, तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएंगे, काफ़ी सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको इसे बनाना है, अप्लाई करना है, अगर आपके पास टाइम हो और आप लगा सकें तो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो वीकली आप इसे जितनी बार लगाएं, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। टाइमिंग की बात है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रात भर रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है, तो आप इसे 3 से 4 घंटे रहने दीजिए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए, किसी भी प्रकार का कोई शैम्पू या कंडीशनर इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज जब भी इस रेमेडी को अप्लाई करें, आपके बाल क्लीन होने चाहिए। फ्रेंड्स, आपको जो भी अनुभव होता है किसी भी रेमेडी से मेरे, तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आप बताएंगे नहीं, तो मैं नहीं जान पाऊंगी कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से फ़ायदा मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।